सलाम वालेकुम एमलर भाई, आसिफ भाई आपको भी सलाम वालेकुम। हमारा एक भांजा जो है ना एक बच्ची को लेके भाग गया, एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार दोनों भी गए आए। अभी 1-2 महीने से वो लोग ला फरार है। ये किराए लाइन बाजार PS के कांस्टेबल मेरे को आके तंग कर रहे हैं, आपको भी लेके जाते बोल रहे हैं। आप वहाँ कल रात गए थे, कहते घर को बच्ची को फ़ोन करे, कहते लेके जाते बोल के। ये क्या साहब हम लोगों की क्या गलती है इसमें, बोलो वो लोग कहाँ हैं कि किधर है कि किसी को नहीं मालूम, ना मेरे को मालूम, ना मेरी वालदा को मालूम, ना मेरे भाई को मालूम। ख़ानदान के हर पद को पूछ लो, किसी को नहीं मालूम। ये आप लोगों की हैबत बहुत भूल गई साहब, एक तो मेरा हाथ भी नहीं हो रहा आपकी हैबत से, ना दुकान को जाना दिल भर रहा, क्या करना बोलो। हम अब एक ही रास्ता है बस, वो आपको मालूम हो जाता। सर बहुत मजबूर है सर हम लोग, किसी को नहीं मालूम कहाँ है वो लोग, किधर है, कौन सी हालत में है। आप लोग आज किधर से भी कैसा भी ढूंढ के निकालो उन लोगों को। मेरी बच्ची का मेरे घर वालों का ख्याल रखो बस। मैं कारोबार से मजबूर हूँ, जिंदगी से मजबूर हो गया मैं, ऊपर से ये लोग ऐसा तंग कर रहे। एमरल भाई लेके जाते बोल रहे, कल मैं आज रात को आपके ऑफिस के सामने सुसाइड कर रहा हूँ। ये मादनपेट लिमिट्स में इस्माइलिया कॉलेज का ने एक यूसुफ बोल के एक आदमी सुबह 7 बजे को सुसाइड कर लिया बोल के मालूम पड़ा। एक वीडियो रिलीज करके उसमें थोड़ा पुलिस रेन बाजार का पुलिस हरासमेंट कर रहे बोल के उसमें दिया था वीडियो में। लेकिन ये हमारा वेरिफिकेशन के लिए आफ्टर वेरिफिकेशन मालूम पड़ा कि हमारा वह उसके ऊपर उसका भांजा के ऊपर भांजा कैफ के ऊपर वारंट पेंडिंग है। वारंट के लिए 1-2 बार हमारा कोर्ट वारंट कांस्टेबल उसके घर को उसका इन्फॉर्मेशन के लिए गए थे। अब वो क्या है उनको मालूम लगा नहीं, कोई हमारा वारंट कांस्टेबल उसको टार्चर करना या करना कुछ नहीं करे, खाली वो एलिगेशन डाल रहा था। लेकिन हम वेरीफाई कर रहे थे, वारंट पेंडिंग 1-2 महीने से पेंडिंग था, उसका पूरा कॉल डिटेल निकाल तो उससे ज़्यादा ये इनका मामू उससे बात कर रहा हो रेगुलरली उनके मालूम, आपको मालूम पड़ा थोड़ा बताया बोल के उसको 2 बार गए थे पूछने को बस, और कुछ हरासमेंट ये नहीं है। सर कॉल रिकॉर्डिंग में क्या लगा आपको ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉल्स पूछ को है बोल के इससे इसको आके अक्यूज वारंट जिस पे है कैफ उसका सगे भांजा है उसके बारे में पूरा मालूम पड़ा बोल के उसको पूछे थे बस। यूसुफ का सगा भांजा, हाँ भांजा उसका बहन का बेटा यूसुफ का भांजा कैफ के ऊपर वारंट है। जो वारंट है ना सर यूसुफ जो सुसाइड किया उसको पुलिस जाके रेन बाजार बोल रही थी कि हम तुमको अरेस्ट करेंगे, क्या ये सही है? नहीं 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 अरेस्ट नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन के लिए पूछे थे, उन्हें भी बताया एक बार बोला फिर इन्फॉर्मेशन देता बोल के सेकेंड टाइम गया। अब उन्हें अरे मैंने कहा वो आ रहा नहीं कुछ नहीं बोल के उन्हें बोला था, मैं बुला रहा हूँ उन्हें नहीं आ रहा। फिर मेरे को बार बार कहना है कि सर 2 बार आप PS बुलाए बुलाया नहीं कभी, हम वारंट वाले कभी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछते। ये जो कैफ है वो कौन सा केस है और कौन से केस का वारंट? पोक्सो केस है जी, कैफ के ऊपर 2 पोक्सो केस है, एक अपना रेन बाजार PS में है और एक मादनापेट में है, 2 केस में वारंट पेंडिंग है उसका। कंप्लेनर एक ही सर एक है ना, अलग अलग है, अलग अलग 2 केस अलग है। हमारा कितना केस हुआ ना ऑलरेडी, केस हुआ कितने दिन पहले कंप्लेन हुआ था जो वो लेकर गया जो माइनर बच्ची है? लास्ट ईयर हुआ, लास्ट ईयर 2023 में। हाँ तो उसका कंप्लेन कब हुआ? उसका जब भी केस हुआ उन्हें रिमांड हो गया। ये जो सुसाइड करने की वजह क्या बता रहे सर, ये एक लड़की को लेकर कैब गया ऐसा कुछ है आपके पास? नहीं 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 रेन बाजार का इससे पहले गया था, इससे पहले गया था वो केस हुआ।
अपना यहाँ केस हुआ वहाँ 2023 का केस नहीं 2013 भी पता 2013 के केस 13 नहीं 23 23 2023 का केस 2023 अब जो उसका वारंट निकला आओ वो वारंट के लिए पुलिस गई थी आओ यस वारंट एग्जीक्यूशन बस और कोई दूसरा गए दूसरा कुछ नहीं खाली वारंट एग्जीक्यूशन के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए गए थे अब सीधी ले रहे पुलिस पहल के पुलिस ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से टॉर्चर उसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है देखिए यू नो इनके ऊपर क्या टॉर्चर करते हैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए तो उसका दामाद आया उसको इन्फॉर्मेशन आया बोल के पूछने गए बस के पुलिस स्टेशन के कोई जवान जाकर बताया कि मैं तुम्हारे को सबको अरेस्ट करके लेके चले आता नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं टॉर्चर कुछ नहीं उन्हें टॉर्चर के बारे में नहीं उसका खाली दो बार गया वो दो बार भी इन्फॉर्मेशन के लिए गए बस यू नो अक्यूज नहीं है ना खाली इन्फॉर्मेशन बताओ बोल के गए थे बस